हार एक विराम है, वरदान मांगूंगा नहीं। प्यारे छात्रों, कवि कहते हैं कि जीवन एक महायुद्ध है। इस महायुद्ध में कभी हार भी मिल सकती है और कभी जीत भी मिल सकती है। इसलिए ना हमें हार से घबराना चाहिए, ना हमें जीत से घबराना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है। हार मिलती है तो भी उसका स्वीकार करो, और जीत मिलती है तो भी इसका स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। और संघर्ष रूपी जो जीवन जीता है, कभी कहते हैं कि जीवन में मिली हार कभी सदा के लिए नहीं होती है, ये तो एक विराम की तरह होती है, ज्यादा समय के लिए नहीं होती है। इसीलिए हमें हार की चिंता कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार की चिंता जो इंसान करता है वह कभी विकास ही नहीं कर सकता। इसलिए हार की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कभी और एक बात समझाना चाहते हैं अभी प्यारे छात्र, एक बात वो समझाते हैं कि हार यदि मिली तो भी हमें दया रूपी भी किसी से मांगनी नहीं चाहिए। दया रूपी भी यदि हम मांगते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक प्रकार से हमारी पराजय ही है। इसलिए पराजय की हालत में भी, हार की हालत में भी हमें किसी से दया रूपी भी नहीं मांगनी चाहिए। हमें तिल तिल कर मिटना मंजूर है, लेकिन किसी की दया हम नहीं मांग सकते, क्योंकि दया की याचना यदि हमने की तो निश्चित रूप से हमारी एक प्रकार से हार है। ये भी बात कवि हमें समझाना चाहते हैं। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। नमस्कार छात्र।